मैंने एक जगह इतने सारे करेले तो नहीं देखे हैं और ये बड़े स्मार्टली इस पे काम कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा इनको ये सब करने में? 22 टन करेला जो है वो अच्छा। आ गया है हाँ। और इसको हम लोग शाम तक प्रोसेस करके खत्म करके इसका जूस निकाल के स्टोर करके फिर घर जाएंगे। यानी कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ करीबन 15-20 लेडीज इसमें औरतें काम कर रही हैं। जी जी जी। ये 22 टन करेला को सॉर्ट आउट करने वाली है? हाँ हाँ सर। इनका शिफ्ट बदलेगा नहीं? नहीं, ये 6 बजे तक इस करेला को कट करके क्रेट्स में डाल के घर चली जाएंगी। उसके बाद लड़के जूस निकाल के 8 बजे तक खत्म करके चले जाएंगे। आप ये काम जो है करेला का काटने से एक पूरे परिवार को भी चला रहे हैं, तो बताइए कितने करेले काटेंगी आप एक दिन में? 100, 200, 300, 400 तो आप आराम से काट लेंगी। इनको बहुत है, बहुत काम है। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्योति जी, आप बता रहे थे कि ये इनको आपने किस तरह से सिलेक्ट किया? चुनना के सर, एक्चुअली जो हमारा मेन क्राइटेरिया रहता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि लोकल वोमेन को एम्पावर करना है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो लेडीज हैं ये लोकल हैं। इसमें हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कोई माइग्रेटरी लोगों को यूज़ नहीं करते, ताकि जितना भी प्रोजेक्ट से रेवेन्यू हो वो लोकल कम्युनिटी को ही डिस्ट्रीब्यूट हो। ये लोकल कम्युनिटी आपकी जो है कितने किलोमीटर में फैली हुई होगी? ये टोटल सराउंडिंग के अराउंड 10 villages से होंगे। तो ये 10 गाँव से आए हैं? जी जी जी। और 20 के आसपास में आपकी एम्प्लॉयमेंट है या उससे ज़्यादा? सर, एम्प्लॉयमेंट अभी जो करंट पीक सीज़न में चलती है वो हमारी 110 से 115 के बीच में वेरी करती रहती है। ये पीक सीज़न है? ये पीक सीज़न है सर। करेला लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन उसके क्या फ़ायदे हैं, आप इसका क्या इस्तेमाल करते हैं? ये एक तरह के फूड सप्लीमेंट हैं। हाँ। तो इसका ड्यूल बेनिफिट ये हुआ है कि एक तो बेस लेवल पे इन कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ जो इसकी खेती कर रहे हैं या जंगल से इकट्ठा करके ला रहे हैं। हाँ। और दूसरा कंज्यूमर लेवल पे ये बेनिफिट हुआ है कि उनको एक शुद्ध चीज़ जो है वो कंज्यूमर तक पहुंची है। वो जो गैप था वो हम लोगों ने इसके थ्रू ब्रिज किया है। जो आंवला जंगलों में गिर के वेस्ट जा रहा था, उन आंवला से इनको पैसे मिलने शुरू हो गए। मतलब लोग जंगल में जाते हैं, आंवला लेके आते हैं, ये एक तरह से हमने इनका नेचुरल ATM क्रिएट कर दिया। मतलब ये खेत, ये जो नेचुरल प्रोड्यूस है वही उनके ATM बन गया। ATM बन और गया। उसके साथ अपना हुनर जोड़ा। जी, जी। और इस हुनर को आपको, इसको हुनर को डेवलप करने में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने भी कुछ सहायता दी? जी जी सर, उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाए उन्होंने यहाँ पे आके। जी, फूड प्रोसेसिंग के अलावा हम लोग और भी अगर लोकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती जैसे है कि? जैसे मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर रिपेयर। अच्छा। छोटे से 30 दिन के जैसे इनके प्रोग्राम होते हैं, वो भी आप करते हैं? हाँ, यहाँ पे होते रहते हैं सर। यानी कि आप इसको एक तरह के एक स्किल्ड एंटरप्राइज की बात करें? जी जी जी। तो लोगों को अगर आप क्या मिसाल अपनी तरफ से भी कुछ अपना बनाना चाहें या करना चाहें, जी जी, उनकी किस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आप जैसे काम को करने के लिए? सर, हमारे जैसे काम करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। मतलब ये है कि जैसे मिनिस्ट्री के बहुत अच्छे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हैं फूड प्रोसेसिंग में। अभी कमेटी बनी है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम और भी आएंगे स्किल डेवलपमेंट। उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल की प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इनके ऊपर जो है मतलब न्यू एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो ट्रेन किया जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो अगर वो ट्रेनिंग लेके भी अगर आप अपने रूरल लेवल पे कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, हाँ, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। रोजगार के लिए ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है और नए स्किल्स सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह है आपके इलाके में स्किलिंग का काम करती ITI। फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में DGENT ने शुरू किए हैं CTS के माध्यम से कई कोर्सेज। फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फूड एंड बेवरेजेस, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। अपने दो बड़ी अच्छी नेचुरल चीजें की हैं, एक तो नेचुरल प्रोड्यूस को इस्तेमाल किया और दूसरा नेचुरल स्किल्स को इस्तेमाल किया। जी 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 जी। और ये चीज़ जो है एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट में रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण होता है उसकी। जी जी। तो अब कहाँ से आए, क्यों किया आपने यहाँ? सर, ये मेरा होम टाउन है। देश के लिए ही करने की जो चाह थी उसने ये सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। हमने कुछ नहीं किया, जो किया है वो नेचर ने किया है। ठीक है, हम नेचर के साथ मिलकर चले और नेचर खुद ब खुद खड़ा करती है। सबसे पहले हमने एक गांव अडॉप्ट किया, पल्ली विलेज था छोटा सा गांव, वहाँ पे औरतों का ग्रुप बनाया। औरतों का ग्रुप बना के हमने उनको आंवला बॉयल करके सुखाना सिखाया। वो आंवला जो तैयार करवाया हमने, वो परचेज करके हमने उसे बाद में कुछ फार्मेसीज को सेल किया। अच्छा। ठीक है, उन फार्मेसीज को हमने बताया कि भैया ये आंवला एक साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक प्रोसेस से सुखाया गया है। जी, इसमें जी। आपको माइक्रोबियल लोड कम मिलेगा, इसमें
जो मतलब भी नेचुरल है, उसके नेचुरल जो है, है वो है उसमें। तो वो जो है इस चीज़ को मतलब लेके फार्मेसी वाले भी अच्छे खुश हुए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके ऊपर और रिसर्च की। फिर बॉयल करने के बजाय हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने आमला को श्रेड करने की मशीन डेवलप करवाई, ताकि आमला को बॉयल ना करना पड़े, जो उसके गुण बॉयलिंग में डिस्ट्रॉय होते हैं। जो भी आपने उसके बाद मशीन्स भी डेवलप करे, जी जी, वो आपने अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशंस डेवलप करे, जी हाँ, कस्टमाइज मशीनरी आप कह सकते हो। ये जो आपने पहले पहले में सुखा के आपने बेचा फार्मेसी को, तो ये उसका कुछ रिटर्न मिला होगा, आपने उनको फिर दिया होगा कुछ हिस्सा, मतलब उससे उनकी कोऑपरेशन भी आपको मिली होगी। डेफिनेटली सर, मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी तो चलती ही है। हाँ। कि हम लोगों ने उनके लिए रेवेन्यू जनरेट किया। हाँ। तो उस रेवेन्यू से जो है उनका मनोबल और बढ़ा। उन्होंने हमें कहा कि हम लोग और ज्यादा आमला इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा। आप बड़े लेवल पे क्या कर सकते हैं। हाँ। तो इस तरह से मतलब धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और हम आगे चलते गए। अब इस कारवां को कहाँ जाना है? हमारा जो भी विजन है वो ये है कि हम लोगों ने इस जो इंडस्ट्री को हो, हमने एक बहुत अच्छी एक न्यूट्रासिटिकल जो है अनऑर्गेनाइज न्यूट्रासिटिकल सेक्टर में लेके आना चाहते हैं। अभी हम लोग माल न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसी जैगरी बाज डेवलप कर रहे हैं जो आयरन से फोर्टिफाइड होंगी। अच्छा। कि आयरन की गोलियां खाने के बजाय अगर हम लोग गुड़ की 10 ग्राम गुड़ की एक बार जो है बच्चे को दे दें, ठीक है ना, तो उससे सफिशिएंट आयरन मिल जाए। और जो लोकल रिसोर्सेज हैं, आमला है, यहाँ पे नींबू है, गलगल सिट्रस फ्रूट्स बहुत हैं, इनसे फिर आगे फर्दर न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स बनाने का हमारा प्लान है। ताकि हम लोग अब जो हमारे देश की माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के साथ फाइट कर सकें। तो ये जो है एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर ये सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें हम लोग, तो जो बिजनेस है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे ही बहुत आ जाएगा, जो सस्टेनेबिलिटी के से भी ज्यादा होगा। क्या बात है, मतलब ये जो आमला का ड्रिंक है या करेला का जूस जो बन रहा है, ये सारी चीजें जो है एक उदाहरण है, एक शुरुआत है, जो आप एक बहुत ही बड़ा नेचुरल प्रोडक्ट का एक सिलसिला कम्युनिटी, एक कम्युनिटी अभी है, कई कम्युनिटीज को साथ मिला के करना चाह रहे हैं। जी 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 जी, मतलब हम लोग एक मॉडल तैयार कर देंगे जिसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है एनी वेयर इन इंडिया, जहाँ पे ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो आई थिंक आप जो है एक सक्सेस स्टोरी है, सिर्फ अपने आप में नहीं, हमारे देश की गवर्नमेंट को भी इसका एक क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने आपको सपोर्ट दिया। जब शायद कई लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं दिया, तो तभी आपकी शुरुआत भी हुई। तो मैं आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और उन लोगों को भी, वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को भी, जिन्होंने आपको सपोर्ट करके आज तक इस मंच पे लाया, इस पोजीशन में लाया। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।